अच्छा लग रहा है ना ये सब आवाजें सुनकर। याद है ना पिछले कुछ समय में हमने शिक्षा से जुड़ी ना जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना किया और मिलकर उनके हल भी निकाले। ऐसे ही आज मैं आप सबके सामने अपनी एक समस्या साझा करना चाहती हूँ। जब भी मैं अपनी कक्षा में कोई अवधारणा सिखाती हूँ या कोई पाठ करवाती हूँ तो सभी बच्चों को सिखाने के निर्देश एक जैसे ही देती हूँ और गतिविधियां भी करवाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे बच्चे सालाना परीक्षा में एक जैसा प्रदर्शन नहीं करते। कुछ बच्चों की तो बुनियादी अवधारणाएं भी बहुत कमजोर होती हैं। ऐसे में मुश्किल पाठ और अवधारणाएं कैसे करवाई जाएं? मेरे मन में ये सारे सवाल आते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्या सभी बच्चों के सीखने की गति एक जैसी है? क्या सभी बच्चों के सीखने की जरूरतें एक जैसी हैं? क्या सभी बच्चों का पठन स्तर एक जैसा होता है? क्या सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाने का तरीका कारगर है? मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता है। आपके साथ भी ऐसी ही दिक्कतें आती होंगी, है ना? तो मुझे तो इसका जवाब मिल गया। जब सभी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, सबके सीखने की परिस्थितियां और सुविधाएं अलग हैं, रुचियां अलग हैं, तो उनके सीखने की जरूरतें, गति और पठन स्तर भी अलग ही होंगे ना। तो अब इस विविधताओं से भरे क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाएं? आप भी यही सोच रहे हैं ना? क्योंकि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, इसका तो सालाना परीक्षा के प्रदर्शन में ही पता चलता है ना। लेकिन अगर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिफल तय कर लिए जाएं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की रचनात्मक रणनीतियां अपनाई जाएं, तो बच्चे किसी भी दक्षता विशेष यानी कॉम्पिटेंसीज को हासिल कर सकते हैं। और बच्चों ने सीखा है या नहीं इसके लिए साल भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आकलन के अलग अलग तरीकों से कक्षा के दौरान भी बच्चों के सीखने की प्रगति का पता लगाया जा सकता है, जिसके आधार पर सीखने के तरीके में फेरबदल करने हैं या नहीं ये भी तय किया जा सकता है। लेकिन ये सब होगा कैसे, जानना चाहते हैं ना आप भी? तो हर बार की तरह इस बार भी प्रस्तुत है एक और नया डिजिटल रिसोर्स, जिसमें इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। रिसोर्स का नाम होगा सीखने के प्रतिफल एवं आकलन की बुनियादी समझ। डिजिटल रिसोर्स की शुरुआत करने के लिए इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर जाएं।